इक्कीस तारीख है आज और देखते हैं कितने लोग जुड़ चुके हैं ओके okay, सभी लोग जुड़ना शुरू हो चुके हैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को प्रवीण कुमार फैजल कुलदीप एंड अंकित मनमीत भीम भैया निशा कुमारी रागिनी आरती सभी लोगों को गुड मॉर्निंग आप लोग जल्दी से जुड़ गए हैं बहुत अच्छी बात है और जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं उनको भी जल्दी से इनवाइट कर लीजिए और साथ ही साथ जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ठीक है तो आज हम लोग अपने न्यूज़ एंड नॉर्मल सेशन के साथ ही कंटिन्यू करेंगे जो हम लोग क्वेश्चन के एम सी क्यू उसको एक बड़े पैमाने पे फिर से आपके पास कभी लाया जाएगा इसलिए आपको वेट करना होगा अभी हम लोग न्यूज़ के साथ ही कंटिन्यू करते हुए अपने रेगुलर सेशन के साथ ही कंटिन्यू करते हुए चलेंगे ठीक है चलिए तो जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हुए हम लोग देख लेते हैं कि भाई क्या क्या, -क्या हम लो लोगों को पढ़ना रहता है आज विशाल गुड मॉर्निंग हर्षित गुड मॉर्निंग आज सभी लोगों को गुड मॉर्निंग सोनू गुड मॉर्निंग सभी बच्चे जो है ऑलमोस्ट जुड़ चुके हैं ठीक है इनवाइट करना मत भूलो जब जल्दी जल्दी सबको बुला लिया करो एक टाइम एक से जो है हम लोग ढेर सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे ठीक है चलो गुड मॉर्निंग भाई राजन राजन गुड मॉर्निंग एंड यस yes, बिल्कुल फादर्स uh, डे मनाया जाता है 21 तारीख को ठीक है 21 जून को फादर्स डे भी मनाया जाता है बिल्कुल मनाया जाता है सही बात है ये ठीक है चलिए तो देख लेते हैं हम लोग क्या रेगुलरली हम लोग एज यूजल अपना पढ़ा, पढ़ाई करते रहते हैं तो उसके उस सेशन में शुरुआत हम लोग करते हैं सेशन की हमेशा एक इंस्पिरेशनल कोट के साथ और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट डे की बात करते हैं जैसे आपने आपने बताया कि हाँ सर आज फादर, फादर्स डे भी मनाया जाता है चलिए और फिर उसके बाद थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि आज के दिन कुछ ऐसी घटनाएँ जो इतिहास में घटित हुई थी और आज तक हम लोगों के पास आई हैं ठीक है चलिए तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे थ्रू द विंडो ऑफ टाइम समय की समय के खिड़की कहते हैं ना झरूखों से ठीक है तो झरुखों से जो है हम लोग देखेंगे और देखेंगे क्या ऐसी चीज़ें हैं ठीक है थीके? बिल्कुल विश्व योगा दिवस आज ही मनाया जाता है और मुझे उम्मीद आज आ, आप लोग भी योगा प्रैक्टिस करते होंगे बहुत ही हेल्दी प्रैक्टिस होती है ठीक है शरीर और मन के लिए दोनों और याद रखें इस दौर में सबसे ज़्यादा जो जा, स्ट्रेंथ की ज़रूरत है ना शरीर में तो चाहिए ही लेकिन मन की स्ट्रेंथ जो है ना मन की शक्ति बहुत बहुत उसकी आवश्यकता होती है और वो स्पिरिचुअल चीज़ों से ही आपको प्राप्त हो सकती है ठीक है और करंट अफेयर एनालिसिस हम लोग करेंगे करंट अफेयर एनालिसिस करते वक्त हम लोग देखेंगे कि फाइनेंशियल न्यूज़ फाइनेंशियल अवेयरनेस की क्या न्यूज है हमारे पास इंटरनेशनल अवेयरनेस की क्या न्यूज़ है हमारे पास नेशनल एंड स्टेट मिसेलिनियस एंड पर्सन इन न्यूज़ इसके साथ साथ फिर हम लोग स्टैटिक जीके में देखेंगे जिसमें डैम्स एंड रिवर और हु इज़ हु इस, इस समय कौन क्या है किस पद को संभाल रहा है इसके बारे में भी देखेंगे हम लोग एंड uh, जो एयरपोर्ट्स हैं उसके बारे में भी देखेंगे तो ऐसे कैपिटल करेंसी ढेर सारे जो है हम लोग स्टैटिक का पार्ट भी इसमें कवर अप कर लेंगे साथ ही साथ एम सी क्यू सेक्शन में आपके सामने जो है सवाल दस सवाल लाया जाएगा और उस दस सवाल के लिए आपको एन एवरेज ऑफ बीस बीस सेकेंड का एक टाइम दे दिया जाएगा उसके अंदर जो है आप अपना आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा साथ ही में एक्सप्लेन करता चलूंगा ठीक है तो ये है सेशन प्लान जो आगे हम लोग चलाएंगे साथ ही साथ जो है कुछ लोग और जानकारियां दे रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि आज जो है ओके बिल्कुल बिल्कुल आज सोलर एक्लिप्स की भी बात हो रही थी बिल्कुल ऐसे ऐसे बताया गया है और एक एक लाइन जो है वर्ल्ड मैप पे ड्रॉ की गई कि उस लाइन पे जो जो शहर आएंगे खासतौर पे उत्तराखंड के कुछ आ, कुछ शहर आ रहे हैं जिसमें देहरादून इंक्लूडेड है तो वहाँ पे रिंग ऑफ फायर दिखेगा रिंग ऑफ फायर का मतलब जानते हो क्या होता है रिंग ऑफ फायर जो होता है वो जैसे जब मून जो है वो सन के आगे आ जाता है और सन को पूरी तरीके से ढक लेता तो आ, आपको ज़्यादा ऐसा रिंग ऑफ फायर टाइप का कोई चीज़ नहीं दिखता लेकिन होता क्या है यहाँ पे होता यहाँ ये यह है कि जो मून है ठीक है वो थोड़ा सा आगे है मतलब ठीक है थोड़ा सा आगे है यानी मुन की साइज जो है थोड़ी सी छोटी है जो कि पूरी तरीके से सन को ढक नहीं पाएगी इसके लिए इसी वजह से जो साइड से जो है ना ऐसे लगेगा कि जैसे कि किसी ने किसी टायर या पहिए में जो है आग लगा दी है ठीक है किसी एक छल्ले में आग लगा दी है तो वही रिंग ऑफ फायर कहा जाता है तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कभी भी नेकेट आई से कभी भी सोलर इक्लिप्स नहीं देखी जाती वो आपको इमिडिएटली लाइफ टाइम के लिए ब्लाइंड कर देगी ठीक है इसलिए अपना बिल्कुल ख्याल रखिएगा चलिए आगे हम लोग चलते हैं मोटिवेशनल कोड की हम लोग बात करते हैं बिल्कुल एक लाइन आई वॉन्ट गिव अप ठीक है आई वॉन्ट गिव अप ये लाइन पूरी तरीके से आपको बता रही है कि आपकी विल पावर ही सब कुछ है ठीक है आपकी स्ट्रेंथ जो है वो आपकी विल पावर है ठीक है आई वॉन्ट गिव अप सर एग्जाम में नंबर नहीं आ रहे आई वॉन्ट गिव अप मैं प्रैक्टिस करूंगा सर मैं मैं वो इंटरव्यू तक पहुंच पहुंचकर फिर एग्जाम के लिए पर। I won't give up. मैं बार बार उस इंटरव्यू तक जाऊंगा ऐसा मजबूर कर दूंगा कि इंटरव्यूअर जो है अगली बार देखते ही कहेगा इसको नंबर तो बुला लो बहुत ही डेडिकेटेड बंदा ठीक है तो ये चीजें याद रखेगा आई वॉन्ट गिव अप कभी भी परेशान हो जाए कभी भी आपको लगे कि यार ये हमसे ना हो पाएगा ठीक? ठीक है तो तुरंत मन में एक ही ख्याल रखना आई वॉन्ट गिव अप ठीक है लेकिन ये पॉजिटिव चीजों के लिए रखना आई वॉन्ट गिव अप ठीक है पॉजिटिव चीजों के लिए रखना तो दिन्नी भी बुरी आदतें होती है ना तुरंत गिव अप ठीक है बाकी पॉजिटिव चीजों के लिए रखिएगा हाँ बिल्कुल आज जो 50 क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे थे ना 50 क्वेश्चन का रैपिड फायर टाइप का वो अभी हम लोग नहीं कंटिन्यू करेंगे हम लोग न्यू न्यूज़ के साथ ही चलते रहेंगे वो 50 क्वेश्चंस आएंगे जैसे ही आएंगे मैं आपको प्रायर इंटीमेशन इन्फॉर्मेशन जरूर दे दूंगा जैसा कि मैं देता आया हूँ ठीक है तो उसमें डोंट वरी वो आ जाएंगे लेकिन हम लोग कुछ उसमें आ, आ, दूसरे तरीके से ऐसी कोशिश करें कुछ ऐसे तरीके से लाया जाए कि आपकी बेनिफिट जो है वो ज़्यादा हो ठीक है तो चलो हम लोग न्यूज़ के साथ ही चलते हैं बिल्कुल भीम बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा है ठीक है चलिए तो आई वॉन्ट गिव अप सभी लोग जरा लाइन जो है लिख के मुझे कमेंट सेक्शन में दिखा दो कि आई वॉन्ट गिव अप लिखो जल्दी से देखें ठीक है ठीक है आई वॉन्ट डब्ल्यू ओ एन एपोस्ट्रॉफी टी लिखना तब होगा आई वॉन्ट गिव अप ठीक है बिल्कुल एकदम ताकत बनाए रखें स्ट्रांग बने रहें योगा करते रहें ठीक है तो ये आ, ये चीजें हैं जल्दी से आप लोग लिख दीजिए हम लोग सेशन लो को आगे लेकर चलते हैं चलिए सेशन में आगे चलते ही हम लोग देखें देखो तो दो दिवस तो हमने लिख दिया एक दिवस आपने बना दिया कि सर आज फादर्स डे है बिल्कुल आज फादर्स डे है ठीक है आ, आ, तो आ, अगला जो हम लोग देख लेते हैं इंटरनेशनल योगा डे भी आज है इंटरनेशनल योगा डे ट्वेंटी जून है इसलिए इंटरनेशनल योगा डे भी है साथ ही साथ वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे भी हाइड्रोग्राफी डे भी है ठीक है वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे है बहुत अच्छे बहुत अच्छे यही स्ट्रेंथ और यही स्टेमिना रखना ठीक है स्ट्रेंथ स्टेमिना लेकर आप लोग चलते रहिएगा ठीक है चलो तो आगे देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं जैसा कि अभी कि आप लोगों में से किसी ने बताया था कि सर आज जो है वो समर uh, सॉलस्टिस यानी लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर है ठीक है ये आपने बताया था ये कारण उसका बस इतना सा है कि जो अर्थ है जो वो टिल्ट है ना थोड़ी सी तो जो जो टिल्ट का जो डिग्री है वो आज ज्यादा है जिसकी वजह से जो है आज दिन थोड़ा लंबा होने वाला है लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे क्योंकि सोलर इक्लिप्स भी है तो आपको दिन में भी रात नजर आने वाली है ठीक है तो इसके लिए तैयार रहना बिल्कुल अब हम लोग बात कर लेते हैं जैसे कि इंटरनेशनल योगा डे की बात करते हैं तो इंटरनेशनल योगा डे जो है ये 2015 से 21 20 जून 2015 से इसको जो लाया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा और इसको वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया वर्ल्ड ने एक्सेप्ट एकदम बाकायदा इसका स्वागत किया और तब से जो है अब ट्वेंटी जून जो है वो वर्ल्ड योगा डे के रूप में सेलिब्रेट होता है इंटरनेशनल योगा डे के रूप में सेलिब्रेट होता है और ये इंटरनेशनल यो, जो योगा डे है इस साल का थीम जो है योगा फॉर हेल्थ योगा एट होम बिल्कुल कोरोना का ख्याल रखते हुए यहां पे कह दिया गया है कि योगा फॉर हेल्थ ये तो हंड्रेड परसेंट ट्रू है योगा एट होम ठीक है योगा एट होम योगा फॉर हेल्थ याद रखिएगा ठीक है लिख लो इस बात को एकदम याद कर लेना योगा फॉर हेल्थ योगा एट अच्छा, होम ठीक है योगा बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा इसमें जो मूव्स होते हैं इसके जो स्टेप्स होते हैं ये आपको बॉडी के हर पार्ट प्लस जो कहते हैं ना माइंड एंड सोल को एक साथ कर देता है बॉडी माइंड एंड सोल को एक साथ कर देता है जिसके जिसकी वजह से आपका थाट आपका विजन जो होता है वो क्लियर होता जाता है कन्फ्यूजन लाइफ से हटती चली जाती है और आप और डेडिकेटेड होते चले जाते हो ठीक है तो स्ट्रेंथ इनर स्ट्रेंथ के लिए भी योगा करना चाहिए ठीक है चलिए वह हाइड्रोग्राफी डे भी आज मनाया जाता है हाइड्रोग्राफी डे मतलब आप देखते हो ना नक्शा वगैरह बनाना और जितने भी ओशन सी uh, रिवर इनसे रिलेटेड चीज़ें होती है उसको कहते हैं वर्ल्ड हाइड्रो उसको कहते हैं हाइड्रोग्राफी ठीक है हाइड्रो हाइड्रो का मतलब आप जानते ही वो वाटर से वो रिलेटेड होता है ठीक है तो ये सन uh, 2005 से मनाया जा रहा है 2005 से मनाया जा रहा है हाइड्रोग्राफी एनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी ये इसका थीम है ठीक है जो थीम इस वर्ष का है दैट इज हाइड्रोग्राफी एनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज ठीक है ये इतनी बात नोट कर लिया आपने अब देख लो ये वर, जो वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे है उसको सेलिब्रेट करने में सबसे पहले जो संस्था आपके सामने आएगी दैट इज इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन आई ठीक है ये 21 जून 1921 में बनी थी मोनाको में इसका हेड ऑफिस है डॉक्टर मथायास जोन जो है इसके सेक्रेटरी जनरल हैं और इसमें नाइन्टी थ्री स्टेट्स हैं ठीक है थेके? नोट डाउन कर लीजिएगा बिल्कुल बिल्कुल रचना दिन में तारे जो है आज दिखने वाले हैं ठीक है बहुत अच्छी बात है चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं बिल्कुल द इंटरनेशनल हार्डकोर प्रियंका सेठ ने बहुत ही अच्छा इन्फॉमेशन जो है वो शेयर कर दिया वेरी गुड आप लोग ऐसे ही इन्फॉर्मेशन तुरंत शेयर करते जाओ मान लो बताते हुए आ, कई बार मेरा अगर ध्यान नहीं आता उस चीज़ में तो बिल्कुल आप जो है वहाँ पर वो कर दो ठीक है चलिए आगे हम लोग देखते हैं थ्रू द विंडो ऑफ टाइम हम लोग देखें कि आज क्या घटनाएं घटित हुई थी तो अगर आज के बारे में हम लोग देखें तो 1957 में एलन फेरक्लो जो है ये सोन इन एज कैनाडाज फर्स्ट फीमेल कैबिनेट मिनिस्टर तो कैबिनेट जो पहली महिला कैबिनेट मिनिस्टर बनी थी कैनेडा में दैट वॉज एलन फेरक्लो ठीक है एलन फेरक्लो ठीक और आगे अगर हम लोग देख लें तो नाइनटीन में कार्डिनल यूवानी बतिस्टा मोन्टीनी ज इलेक्टेड एस पॉल पॉप पॉल सिक्स ठीक है पॉप जो पोप पोप हुआ करते थे पॉल सिक्स के नाम से वो एक्चुअली में उनका नाम ये था ठीक है तो इनको पोप बनाया गया था ठीक है इनको पोप बनाया गया था और यहाँ पे देखिएगा पोप अगर हम लोग कहते हैं तो जैसे क्रिश्चियनिटी में एक बहुत ही सबसे बड़ा जो पद होता है ठीक है धार्मिक पद होता है दैट इज ऑफ पोप ठीक है वेटिकन में आज भी आपको आप जाओगे तो आप मिल पाओगे उनसे ठीक है 2004 में स्पेस वन स्पेस शिप वन बिकम्स द फर्स्ट प्राइवेटली फंडेड स्पेस प्लान टू अचीव स्पेस फ्लाइट ठीक है तो ये स्पेस शिप वन जो था 2004 में ये इसने उड़ान भरी थी लेकिन सबसे खास बात ये थी कि ये प्राइवेट फंडेड थी प्राइवेट फंडेड ठीक है आप अगर न्यूज़ वगैरह देख रहे होंगे तो अब कंपनियां प्लान कर रही हैं कि वो जैसे टूरिज़्म है ना वो स्पेस में भी ले जाए स्पेस टूरिज़्म की बात अब हो रही है तो उसी उसी में जो है स्पेस शिप वन एक लाइन में आया है और आपने अगर देखा भी होगा तो मार्स में मार्स तक जाने का जो एक प्लान बन रहा है 2022 2025 तक ह्यूमन मैन मिशन ऑन मार भेजने मार्स भेजने की बात हो रही है ठीक है तो उसकी भी तैयारी हो रही है स्पेस एक्स और स्पेस शिप वन और ऐसे करके कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं दो कोशिश कर रहे हैं कि हम मार्स तक लोगों को भेज सके ठीक है और 2006 में जो है प्लूटो न्यूली डिस्कवर्ड मून आर ऑफिशियली निक्स एंड हाइड्रा प्लूटो जो एक समय तक जो है प्लान के रूप में देखा जाता था आ, आ, लेकिन अब जो है उसको प्लानेट की कैटेगरी से बाहर कर दी गई तो प्लूटो के दो मून uh, जो डिस्कवर हुए थे उनका नाम रखा गया था निक्स एंड हाइड्रा ठीक है दो में ग्रीनलैंड एज्यूम सेल्फ रूल मतलब ऑटोनोमस so, वर्ड uh, uh, हो गया ग्रीनलैंड जो है वो फ्री हो गया ये यहां कहने का मतलब है ठीक है चलिए तो एक चीज याद रखिएगा कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना तो ये कोड जरूर लगा देना इस कोड से आपको बेनिफिट मिल जाएगा ठीक है चलो चलिए यहाँ पे देखिए हर्षित सिंह अब बिल्कुल आप जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है आप जो कह रहे हैं पचास या सौ क्वेश्चन या जो भी इस सेशन को हम लोग बिल्कुल करेंगे लेकिन लेकिन आज इस चीज को नहीं करेंगे ठीक है आज इस चीज़ को नहीं करेंगे जब हम लोग को करना होगा जब ये चीज़ ऑर्गेनाइज होगी तो ये आपको फर्दर जो है प्रायर इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी ताकि आप लोग भी अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार हो आएंगे ठीक है चलो अभी फिलहाल कॉन्सेंट्रेट कर लो क्योंकि अगर ये न्यूज छूट गई तो इसमें से जब क्वेश्चन आएगा ना तो वहाँ आपका गलत हो जाएगा ठीक है तो इसलिए ध्यान रखो इस न्यूज़ पे आप एकदम बिल्कुल फोकस कर लें चलिए आगे देखते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस की न्यूज़ की हम लोग बात करें फाइनेंशियल अवेयरनेस में जो न्यूज़ हमारे पास है आज दैट इज़ टेक महिंद्रा लिमिटेड हैज़ बिन रिकोगनाइज अमोंग इंडियाज फिफ्टी बेस्ट कंपनीज टू वर्क फॉर इन ट्वेंटी ट्वेंटी बाई द ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट ठीक है टेक महिंद्रा लिमिटेड को ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट ने 2020 में काम करने के लिए भारत की 50 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में शामिल किया है तो यहाँ पे एक रफ आइडिया ये मिल गया कि हाँ भाई टेक महिंद्रा भी जो है ना वो अच्छी जगह है काम करने के लिए हालांकि इस रिपोर्ट को अगर देखोगे तो सबसे सबसे बढ़िया जो संस्था बताई गई है ठीक है बैंकों की कैटेगरी में अगर देखा जाए तो वहाँ पर बात की गई है एस की ठीक है एस की बात की गई है ठीक द मोस्ट द मोस्ट बेस्ट एक तरीके का प्लेस टू वर्क इन बैंकिंग सेक्टर इज एच डी एफ सी ये इनका कहना है ठीक है ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट जो है इनका कहना अब ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट जो है ये यूनाइटेड uh, स्टेट की यूनाइटेड स्टेट की एक इंस्टीट्यूशन uh, है एक बॉडी है जो सर्वे वगैरह करती है और वो ग्रेट प्लेस टू वर्क और uh, ऐसे कंपनियों से रिलेटेड कई सारे सर्वे करके ये रिपोर्ट लाती है यहाँ पर ठीक है ग्रेट प्लेस टू वर्क के जो हेड हैं दैट इज पॉल वॉलकॉट ठीक है Walcott, ये नोट करते जाना पॉल वॉलकॉट जो है वो इसके हेड हैं ग्रेट प्लेस टू वर्क के ये ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट के ये हेड हैं पॉल वॉलकॉट यहां पे जो है इसके हेड हैं ठीक है थीके? और साथ ही साथ जो है माइकल सी बुश जो है इसके सी ओ हैं ठीक है माइकल सी माइकल सी बुस जो है इसको इसके सीईओ हैं ठीक है और ये प्रेसिडेंट साहब हैं इसके और कंपनी जो है वो ऑकलैंड यूएस की है ठीक है ऑकलैंड यूएस की ये कंपनी है जो ये रिपोर्ट निकाल लेना ग्रेट प्लेस टू वर्क ये पूरी रिपोर्ट निकालने वाली ये संस्था जो है ये इसका डिटेल है आपके सामने ठीक है तो ये डिटेल जल्दी से आप नोट कर लो ठीक है जो स्क्रीन पे अभी आपको अभी फिलहाल दिख रहा है ठीक टेक महिंद्रा के बारे में बात करोगे तो इसके चेयरमैन आपको मालूम है आनंद महिंद्रा साहब है ठीक है आनंद महिंद्रा साहब इसके चेयरमैन है पुणे में ये संस्था में आ, इसका हेडक्वार्टर पुणे है हालांकि रजिस्टर्ड ऑफिस इसका मुंबई में है लेकिन इसका जो हैडक्वार्टर है वो पुणे में है ठीक है तो ये आनंद महिंद्रा आनंद महिंद्रा जी की कंपनी है जिसको टेक महिंद्रा के नाम से आप लोग जानते हो ठीक है तो ये चीज़ आई होप ये नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने ठीक है ये चीज़ें जो है आप जल्दी से नोट डाउन इसको कर लीजिए चलिए ठीक तो आपको यहाँ से कुछ बातें पता चल गई दैट इज एक डिटेल आपको मिल गया जो ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट है उसके बारे में आपको डिटेल मिल गया साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पे टेक महिंद्रा के बारे में डिटेल मिल गया और साथ ही साथ आदित्य पुरी जी की जो एच है उसके बारे में जान गया आपकी ये बेस्ट बैंक टू वर्क है इंडिया में ठीक है ये इतनी बातें आपको क्लियर हो गई अब आगे देख लीजिए इसमें जो सबसे बेहतर सबसे अच्छी कंपनी जो मानी गई दैट इज निहोन कोडेन निहोन कोडेन जो है ये जापान की कंपनी है ठीक है ये जापान की कंपनी है और ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है फार्मा कंपनी है ठीक इसको इसको दुनिया में सबसे बेहतरीन वर्क प्लेस बताया गया निहोन कोडेन ठीक है इसको दुनिया का सबसे बेहतरीन कंपनी बताया गया जहाँ पे कोई वर्क कर सकता है निहोन कोडेन इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी टू वर्क फॉर ठीक है तो आई होप ये चीज़ ये चीज़ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ठीक है चलिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करें ठीक चलिए अगली न्यूज पे हम लोग आते हैं जो अगली न्यूज हमारे पास है पिरामल एंटरप्राइज <sharp inhale> लिमिटेड फार्मा सॉल्यूशन बिजनेस एंटर्ड इनटू अ पैक्ट विद जी डब्ल्यू लेबोरेटरीज इन टू एक्वायर इट्स सॉलिड ओरल डोजेस ड्रग प्रोड्यूस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एज सर बिल इन यूएस फॉर वन पॉइंट वन सेवनटीन पॉइंट फाइव मिलियन अब देखो यहाँ पे जो न्यूज़ है ये साफ साफ न्यूज़ आपके सामने एकदम बिल्कुल इंजीनियर विकास कुमार आपने निहोन कोर्डेन का नाम लिया है बिल्कुल ये जापान की कंपनी है और इसको जो है सबसे बेहतरीन कंपनी यहाँ पे माना गया है ठीक है चलिए अगली न्यूज़ में अगर आप देख रहे हो तो अगली न्यूज़ में जो है यहाँ पे लिखा आ, पिरामल एंटरप्राइज़ की बात की गई जो पिरामल एंटरप्राइज़ है उसने एक जो जी डब्ल्यू लेबोरेटरी है ना जी डब्ल्यू लेबोरेटरी है ठीक तो उसका जो ड्रग ड्रग प्रोड्यूस करने वाली जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फे, है यानी जो फैक्ट्री है एक तरीके से समझिए जो यूएस में जो फैक्ट्री है उसको इन्होंने परचेस कर लिया है इसको परचेस करने में सेवनटीन पॉइंट फाइव सेवनटीन पॉइंट फाइव मिलियन का इन्होंने एक्सपेंडिचर किया है ठीक है ये इतनी बात आप आई होप ये क्लियर हो गई होगी आपको ठीक है पिराल एंटरप्राइज लिमिटेड फार्मा सोल्यूशन बिजनेस है सेंटर इन प्रोड्यूसिंग विद्लू फैसिलिटी एट सेलर विद यूएस ठीक है सेलर विल यूएस में इसका मैनुफेक्चरिंग प्लांट है उसको इसने खरीद लिया है ठीक है चलो ये तो साथ ही साथ अगर हम लोग देखा जाए तो पिरामल जो है पिरामल नाइनटीन एटी फोर में बनी हुई कंपनी है जी मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है ठीक है मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और इसको इसके मालिकों की श्रेणी में अगर देखा जाए तो अजय स्वाति अजय एंड स्वाति पिरामल इनका नाम है क्योंकि फैमिली बिजनेस है तो ठीक है तो यहाँ पे जो है आपको मिलेंगे अजय एंड स्वाति पिरामल और साथ ही साथ जो है यहाँ पे नंदिनी एंड आनंद पिरामिल ठीक है नंदिनी एंड आनंद पिरामिल ये इसके मालिक हैं ठीक है ये चार लोग जो चार नाम आपको दिख रहे हैं ये लोग इसके मालिक हैं यहाँ पे ठीक है चलो तो आई होप ये चीजें जो है इतना आपने नोट डाउन कर लिया होगा साथ ही साथ जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जैसे जैसे मौका मिले जरूर लाइक करते चले जाना ठीक है चलो तो आ, दे, आ, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे आ, अगली न्यूज की हम लोग बात कर पे एम जंक्शन हैज डिप्लॉयड एन ई प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म फॉर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड एंड इट विल बी इन ऑपरेशन फॉर सेवन ईयर्स द बी टू बी ई कॉमर्स कंपनी सर अब देखो ये पहले तो एम जंक्शन जो है ये क्या है ये है एक बी टू बी ई कॉमर्स कंपनी ठीक है ई e कॉमर्स मतलब कोई भी बिजनेस जब हम ऑनलाइन पे करते हैं बिल्कुल हर्षित यहाँ पे जो है पूरा एक फैमिली आ, डिटेल्स uh, के बारे में भी थोड़ा सा ला रहे हैं अच्छी बात है ठीक है चलिए अब यहां पे देख लीजिए कि एम जंक्शन की जो हम लोग बात कर रहे हैं एम जंक्शन क्या है ये ई कॉमर्स कंपनी ई कॉमर्स मतलब कोई भी जब कोई भी कंपनी जो है उसका बिजनेस का माध्यम जो होता है ना वो ऑनलाइन हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं ई कॉमर्स ठीक है e अब ये बी टू बी क्या है भैया ये है बी टू बी का uh, क्या मतलब होता है जरा सा आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकें जल्दी से लिख के बता दीजिए वाट इज बी टू बी बी टू बी क्या होता है देखो दो टर्म आपके सामने हमेशा आएंगे दैट इज बी टू बी एंड बी टू सी बी टू जी भी होता है ठीक है जल्दी से जल्दी से इसके बारे में लिख के बताएं. वी टू बी चलिए बहुत अच्छी बात यहां से देख लेते हैं बी टू बी का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस बी टू बी बी टू सी का मतलब था बिजनेस टू कस्टमर एंड बी टू जी जो है उसको कहते हैं हम लोग बिजनेस टू गवर्नमेंट ठीक है बिल्कुल बायर टू सेलर यहां पे प्रवीण जी लिखा नहीं वो दैट इज नॉट बायर टू सेलर एक्चुअली इट इज बिजनेस टू बिजनेस ठीक है बिजनेस टू बिजनेस उसको कहा जाता है यहां पे समझिए बिजनेस टू बिजनेस का मतलब यह है कि मान लीजिए एक कंपनी है ठीक कोई एक कंपनी है और वो जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाती है तो वो कहीं ना कहीं तो बेचेगी तो अगर वो अपना प्रोडक्ट और सर्विस बेच रही उसके अगर कस्टमर जो है वो कोई संस्था या कंपनी है तो वो आप बी टू बी कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस कहेंगे अगर कोई कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही है और उसके जो कस्टमर हैं उसके जो टारगेट कस्टमर हैं वो इंडिविजुअल्स हैं कंपनी नहीं है कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो आप बिज़नेस टू कस्टमर कहते हैं और अगर सरकार या सरकारी संस्थाएं हैं तो आप बिजनेस टू गवर्नमेंट कहते हैं बिल्कुल एकदम सही आप लोगों ने जो आ, आ, लिखा है बिल्कुल एग्जैक्टली exactly सही है और याद रखिए जैसे जैसे आप लोग दूरते जा रहे हो लाइक like, बटन जरूर दबाते रहे शेयर सब्सक्राइब ये सब ना भूलें ठीक है और ये बस्ती टू बाराबंकी हर्षित सिंह ने लिखा हुआ है इट्स नॉट बस्ती टू बाराबंकी देखो ऐसे बनाना होगा तो कुछ भी आप बना सकते हो बट द राइट थिंग इज बिजनेस टू बिजनेस ठीक है चलो तो आई होप इतनी इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई बी टू सी बी बी टू बी एंड बी टू जी सी ठीक है चलिए हाँ अब अब थोड़ी सी हम लोग बात कर लें यहाँ पे जो ये तो हो गया कि जो कंपनी कर रही है ई कॉमर्स कंपनी जो कर रही है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कहा क्या, क्या, क्या है इसने कहा कि ये एक ई प्लेटफॉर्म बनाए ई प्लेटफॉर्म मतलब फिर वही ऑनलाइन वाली चीज़ें हैं प्रोक्यूटमेंट मतलब कोई चीज़ परचेस करने के लिए ठीक है तो एम ज, एम जंक्सन जो है एम जंक्सन ने आयुद्ध कारखाना बोर्ड जो है ओ उसके लिए खरीद मंच एक बनाया जैसे आप लोग अमेजन और फ्लिपकार्ट देखते हो वैसे ही एक खरीद मंच उसने बना रखा है ऑनलाइन परचेसिंग का एक माध्यम बना रखा है ठीक है बी टू बी टू बी ई कॉमर्स क्षेत्र की कंपनी ने कहा कि ये सात साल तक परिचालन में रहेगा ठीक है तो उसके लिए इसने ये बना रखा है चलो तो आगे हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ठीक है यहाँ पे जो ओ एफ बी है वो ना है। वो सेवनटीन सेवेंटी फाइव में बना था ओ एफ बी जो है वो सेवनटीन सेवनटी फाइव में बना था कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है ठीक है कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है ठीक ये नोट कर लेना ये ओ के बारे में है बिल्कुल ठीक है ओ के बारे में है ठीक और अगर हम लोग एम जंक्शन की बात करें एम जंक्शन जो है वो आपका बना था ये एम जंक्शन के जो एम हैं वो विनय कुमार हैं ठीक है एम जंक्शन के एमडी डी विनय कुमार हैं और चेयरमैन जो है राजीव मुखर्जी हैं ठीक। चेयरमैन इज राजीव मुखर्जी ठीक है चेयरमैन इज राजीव मुखर्जी और हम अगर सी एम डी एंड सीईओ की बात करें एमडी एंड सीईओ की बात करें तो डेट इज विनय कुमार ठीक है ये इतनी बातें नोट कर ली बिल्कुल 1775 सेवेंटी फाइव कोलकाता बहुत सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बिल्कुल फुल फॉर्म एकदम सही है ओ एफ बी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बिल्कुल बहुत अच्छी बात चलो तो ये ये हो गए आपके बारे में यहाँ पे हम लोग ओ और इस चीज़ की हम लोग जो बात कर रहे थे ये इसके बारे में हो गया एम जंक्शन के बारे में आप जान गए होंगे कि एम जंक्शन जो है वो बी टू बी कंपनी है और इसने एक

चाइना है वो कोशिश क्या कर रहा है कि इंडिया के आसपास के जितने भी बॉर्डरिंग बॉर्डरिंग जो कंट्रीज हैं जैसे कि नेपाल है पाकिस्तान है बांग्लादेश है श्रीलंका है ठीक है इन लोगों को वो अपने फेवर में लाने की कोशिश कर रहा है ठीक है ठीक है वो अपने आप अपने फेवर में इन लोगों को लाने की कोशिश कर रहा है अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो बांग्लादेश को अपने फेवर में लाने के लिए वो क्या कह रहा है बांग्लादेश को फेवर में लाने के लिए जितने भी उसके प्रोडक्ट होते हैं ना ठीक है जितने भी उसके प्रोडक्ट होते हैं जो बांग्लादेशी प्रोडक्ट होते हैं जो बांग्लादेश में प्रोड्यूस होते हैं ठीक है तो उस पर उसने क्या कहा उसने कहा कि अगर आप ये प्रोडक्ट जो है उनके पास अगर किसी भी तरीके से आ रहा है उनके देश में जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि हम भैया नाइन्टी परसेंट जो है आपको जो

ठीक है बांग्लादेश अगर किसी भी आउटसाइड कंट्री को फॉरेन कंट्री को वो प्रोडक्ट बेचती है तो दिक्कत क्या होती है ना जो बॉर्डर होता है यहाँ पे ठीक है बॉर्डर जो होता है वहाँ पे टैरिफ या टैक्सेस लगने शुरू हो जाते हैं ठीक टैरिफ या टैक्सेस लगने शुरू हो जाते हैं तो जैसे ही टैरिफ लगता है तो ये प्रोडक्ट जो होता है यहाँ मान लो अगर लो प्राइस पे है तो यहाँ टैक्स लगने के बाद वो हाई प्राइस हो जाता है अब हाई प्राइस दूसरे मार्केट में जब आपका प्रोडक्ट होगा तो वहाँ के लोकल प्रोडक्ट से भी आपका कॉम्पिटिशन होने लगेगा तो आपके प्रोडक्ट के जो बिकने के जो चांसेस हैं वो घट जाते हैं ठीक है वो घट जाते हैं तो यहाँ पे जो है यहाँ पे अगर चाइना ये देश जो हम लोग बात करें अगर ये चाइना होता और बांग्लादेश अपने प्रोडक्ट चाइना को अगर भेज रहा होता तो 97 उसके प्रोडक्ट 97 सेवन प्रोडक्ट परसेंट प्रोडक्ट जो है उस पर टैक्स नहीं लगता यानी जिस प्राइस पे वो बना के भेज रहा है उसी प्राइस पे वहाँ की मार्केट में बिकता अब यहाँ देखने की दो तीन चीज़ें और हैं एक चीज़ तो ये है कि ये चाइना की स्ट्रेटजी है कि वो जो भारत के पड़ोसी हैं उनसे साँधगाठ करके जो है अब वो एक अपना एक कहते हैं ना इन घेरने की कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से दूसरी चीज़ अगर आप देखो तो 97 प्रोडक्ट परसेंट प्रोडक्ट ऑफ बांग्ला बांग्लादेशी प्रोडक्ट मतलब कितने प्रोडक्ट आपको लगता होगा कि बांग्लादेश बेच रही होगी चाइना को तो ये भी दे, दूसरी देखने की चीज़ है ठीक है तो ये दैट इज़ यहाँ पे वो का मतलब ये होता है ना टू ल्यूर मतलब उसको आकर्षित करने के लिए ठीक है ये चीज़ होता है ठीक तो वहां यहाँ पे जो है लुभाने के लिए देखो तो यहां लिखा ना हिंदी में लुभाने के लिए लालच दे रहा है ठीक है लालच दे रहा है एक तरीके से ठीक है चलो तो ये ये चीज आपको आई होप ये चीज आपको पता चल गई हाँ बांग्लादेश की जब बात करोगे तो जरा सा बता दीजिए भाई डिटेल कुछ लोग बता रहे थे ठीक है बांग्लादेश की अगर हम लोग बात करें तो कैपिटल पहले तो आ गया ढाका पैसा ले लो ढाका ठीक ये तो कैपिटल एंड करेंसी हो गई वहां की अगर हम बात करें प्रेसिडेंट वहां के तो अब्दुल हमीद अब्दुल हमीद इज द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश एंड शेख हसीना ठीक है दैट इज द प्राइम मिनिस्टर ठीक तो ये ये चीजें आई होप आप लोगों ने ये चीजें नोट डाउन कर ली होगी जो लोग जिनको भी इसके बारे में पता हो बता दीजिए चाइना के बारे में बिल्कुल आपको मालूम ही होगा रेनिन भी यूज होती है वहां पर या युआन भी कहते हैं आप लोग और बेजिंग इज द कैपिटल बीजिंग इज द कैपिटल ठीक बीजिंग इज द कैपिटल और आ, ये प्रेसिडेंट रह गए वहाँ के जे जिंगपिंग और साथ ही साथ जो वहाँ के प्रीमियर हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर के बराबर माना जाता है तो वो जो हैं ठीक है वो जो हैं यहाँ पे ली के कियांग ठीक ली के कियांग जो है वहां के प्राइम मिनिस्टर ठीक है तो ये इतनी डिटेल इन दोनों कंट्री के बारे में आए हो सबको ये याद होगी बिल्कुल बिल्कुल ये कंट्री के डिटेल जरूर याद रखना क्योंकि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन इससे नहीं पूछ सकता किस किस कंपनी किस कि 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 कंट्री को चाइना ने उसके प्रोडक्ट पे नाइन्टी की टेरिफ फ्री कर दी है तो ये सवाल जो है दोनों तरीके से हो सकता है ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है बांग्लादेश के बारे में कौन प्राइम मिनिस्टर कौन प्रेसिडेंट है वहाँ का कैपिटल करेंसी क्या है वहाँ की ये भी पूछी जाती है तो ये जो न्यूज़ न्यूज है पर्टिकुलर न्यूज़ है इसमें से बहुत सी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है एक तो इन दोनों के बारे में डिटेल पूछा जा सकता है और ये अमाउंट पूछा जा सकता है या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि किस देश ने बांग्लादेश के बांग्लादेश के प्रोडक्ट पे 97 97 परसेंट बांग्लादेश के प्रोडक्ट पे जो है वो टैरिफ फ्री कर दिया है ठीक है एग्जाम प्रोवाइड किया है तो ऐसे भी सवाल आपके सामने आ सकते हैं ठीक चलो अगला न्यूज देख लो आप लोग द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव डॉलर 1.05 1.05 बिलियन बिलियन फॉर थ्री प्रोजेक्ट्स इन बांग्लादेश टू क्रिएट क्वालिटी जॉब एंड एसे इकनोमी रिकवरी इन द वेक ऑफ कोरोना पैंडेमिक आप देखो कोरोना पैंडेमिक uh, की वजह से इकोनॉमी uh, कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से हर देश की हिट हुई है तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश uh, को जो है बिलियन जीरो वन पॉइंट फाइव जीरो वन पॉइंट जीरो फाइव बिलियन दी है किस लिए तीन प्रोजेक्ट के लिए भाई ठीक है थ्री प्रोजेक्ट के लिए दिया है और इन तीनों प्रोजेक्ट से क्या होगा उस देश में क्या बनेगी उस दो देश में क्वालिटी जॉब और उसकी इकोनॉमी उसकी तेज़ हो जाएगी देखो ये आइडिया क्या है वन पॉइंट जीरो फाइव बिलियन जो अमाउंट है ना जब इसके प्रोजेक्ट चलेंगे मान लो प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी एंड प्रोजेक्ट सी ठीक है ये तीन प्रोजेक्ट यहां चल रहे हैं तो कोई भी कोई भी प्रोजेक्ट चलेगा तो उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए रिसोर्स चाहिए होंगे ठीक है रिसोर्स चाहिए होंगे रिसोर्स में क्या होगा मैन मशीन मैन मशीन मटेरियल वगैरह वगैरह ये सब चीजें तो चाहिए होंगी ना तो इतनी जितनी भी संस्थाएं ये चलती होंगी ठीक है जितने भी यहाँ पे संस्थाएं चलती होंगी ये सभी संस्थाएं जो है कहीं ना कहीं लोगों को रिसोर्स एम्प्लॉय करती होंगी एज ह्यूमन रिसोर्स एम्प्लॉय करती होंगी तो जिनको वो एम्प्लॉय करेंगी उनके हाथों में पैसा जाएगा और कोविड नाइन्टीन में देखो क्या है सबकी जो आ अर्निंग का सोर्स है ना वो कहीं ना कहीं बंद है तो अर्निंग का सोर्स अगर बंद है तो ऐसे प्रोजेक्ट्स जब आएंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा वहाँ पर और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने का मतलब है कि लोगों के जेब में पैसा जाएगा लोगों के जेब में पैसा जाएगा वो मार्केट से प्रोडक्ट खरीदेंगे यानी डिमांड क्रिएट करेंगे कंपनियां फिर से लोगों को हायर करेंगी क्योंकि डिमांड बढ़ना बढ़ना शुरू हो जाएगा मार्केट में और वो कंपनियां भी लोगों को पेमेंट देंगी तो फिर वो लोग भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक चक्र चलना शुरू हो जाएगा जिससे इकोनमी जो है वो रिकवर कर जाएगी देखो यहाँ रिकवरी की जो बात की गई है ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ है देखो हम लोग क्या होता है न्यूज़ आती है हम लोग न्यूज़ पढ़ लेते हैं हाँ सर ये है ये कर दिया वर्ल्ड बैंक ने इतना पैसा दे दिया क्लर्क बनने के लिए तो ये ठीक है आप क्लर्क बन जाओगे एकदम कैपिटल बता देना करेंसी बता देना प्राइम मिनिस्टर बता देना ये बता देना आप बन जाओगे क्लर्क 100 परसेंट क्लर्क आप बन जाओगे इसमें कोई नहीं रोक पाएगा आपको लेकिन उससे आगे अगर बढ़ना है ना तो पीओ बनना तो वहाँ से रीड आउट करना सीखो यहाँ पे देखो एक वर्ड लिखा हुआ है इकोनॉमिक रिकवरी इकोनॉमिक रिकवरी अब ये क्या है ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे लिख गई है इसके पीछे की कहानी सुन लो क्या है जो अर्थव्यवस्था होता है ना इकोनॉमी होती है वो कई फेजेस से गुजरती है कभी ऊपर की ओर जाएगा कभी नीचे कभी ऊपर ये इकोनॉमी का फेज है ऐसे चलता रहता अब देखो अगर हम इसमें थोड़ी सी एक लाइन बना दें और हम कह दें कि सर ये लाइन जो है ना ये देश की ग्रोथ या जीडीपी को दिखा रही है तो वैसे ही कहानी थोड़ी सी आपके लिए क्लियर हो जाएगी यहाँ देखो क्या हो जाएगा आप देख रहे हो यहाँ जी डी बढ़ रही है ना ये ग्रोथ हो रही है ठीक और यहां पे अगर आप आओगे तो यहां देखो जीडीपी जो है वो नीचे की ओर भाग रही है फिर यहां देखोगे तो ये जीडीपी जो है वो नेगेटिव में जा रही है नेगेटिव वर्ड से याद आया कॉन्ट्रैक्ट जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है यानी उसका ग्रोथ जो है ना ग्रोथ रेट उसका नेगेटिव में जा रहा है तो ये होता है फिर ये रिकवर करती है ये बाहर आती है तो ये जो ये जो ये जो मूवमेंट है इसका ये जो मूवमेंट है ये पूरे जो मूवमेंट जो मैंने यहाँ आउट किया है ना इसको कहते हैं हम लोग इकोनॉमिक लाइफ साइकिल ठीक है यहां पे याद रखो इकोनॉमिक लाइफ साइकिल ठीक तो जो जो जिन लोगों का अभी ध्यान नहीं है पढ़ाई में रिक्वेस्ट यही है यह कि भाई ध्यान दे दो यहां पे पढ़ लो क्योंकि ऐसी चीजें जो है ना एक्सप्लेन करने के लिए मौका हम लोग को नहीं मिलता है ठीक कभी कभी न्यूज़ में ऐसी चीजें आती हैं इसलिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर लो ठीक है और जल्दी से जरा एक थम्सअप डाल के दिखाओ जरा कमेंट सेक्शन में जितने लोग भी यहाँ पे अभी प्रेजेंट है इस क्लास में जल्दी से और जल लाइक बटन जो है लाइक बटन तुरंत हिट करें तुरंत हिट करें जो लोग नहीं हिट किया हुआ है लाइक बटन को देखो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ये सब करने में भाई कोई कंजूसी ना करो ठीक है बांटने से चीजें बढ़ जाती हैं ठीक है याद रखो तो जल्दी से जल्दी से आप लोग जो है एक थम्सअप जो है कमेंट सेक्शन में डालें और जो लोग लाइक बटन हिट नहीं किए लाइक बटन जल्दी से हिट कर लें जल्दी से शेयर जिन्होंने नहीं किया सुबह से अभी तक जल्दी से, से शेयर कर, कर, कर लो ये दो मिनट एक मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं ये सब एक्टिविटी जरा से आप लोग कर लो ठीक है और याद रखिएगा ये जो ये जो वर्चुअल क्लास हम लोग की चल रही ना दिस इज दिस इसको अगर आप रियल क्लास मान के चलोगे तो यकीन मानो इसी को सेल्फ डिसिप्लिन सेल्फ सेल्फ सल, कंट्रोल कहते हैं बाकी बातें करने के लिए तो पूरी दुनिया है 24 घंटा आपके पास है 24 फोर आवर्स ठीक है बहुत अच्छे चलो सभी लोग एक साथ आ गए क्लास में दैट इज वेरी गुड अब देखो ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं यहां पे ठीक है गुड मॉर्निंग मुस्कान कोचिंग सेंटर ठीक है गुड मॉर्निंग आपको ठीक तो यहां पे देखो जो ये इकोनॉमिक रिकवरी हम बता रहे देखो ये छोटा सा न्यूज था ठीक अगर इस छोटे को न्यूज़ को अगर आप जिस तरीके से ये लिखा है इस तरीके से आपके सामने हम रख दे आप पढ़ लोगे आप अपने काम की चीज़ निकाल लोगे लेकिन क्लर्क बनने के लिए वो सही है पीओ बनने के लिए नहीं पीओ बनना होगा या हायर लेवल पे जाना होगा जैसे आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनना है नाबार्ड में ऑफिसर बनना है सिडमी में आपको जाना है या ठीक है या इससे इसके बराबर या इससे बड़े हुए बड़े किसी एग्जामिनेशन में अगर आपको जाना है हायर लेवल पे तो आप हमेशा जो लाइन बिटवीन द लाइन्स है उनको पढ़ना सीखो ठीक है एंड दैट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड यकीन मानो अब देखो यहाँ पे इकोनॉमिक रिकवरी लिख दिया लोग ऐसे ट्रांसलेट कर देंगे कि आर्थिक सुधार देखो एकदम ट्रांसलेशन कितना सुंदर है आर्थिक सुधार इकोनॉमिक रिकवरी आर्थिक सुधार बहुत अच्छा बहुत अच्छे सर हमको बहुत जानकारी मिली यहां। लेकिन देखो ये रियलिटी ये इकोनॉमिक टर्म है प्योरली इकोनॉमिक टर्म है जिन्होंने इकोनॉमिक्स यहाँ पे पढ़ा होगा ठीक है वो लोग जो है उनको मालूम होगा कि सर ऐसे टर्म्स इकोनॉमिक्स में होते हैं ठीक है थेके? चलो तो यहाँ पे आप देख लो इकोनॉमिक लाइफ साइकिल होता है जैसे हमारा आपका जीवन चक्र होता है वैसे ही अर्थव्यवस्था का भी एक जीवन चक्र होता है वो जीवन चक्र हम लोग कैसे नापते हैं जो जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है यानी एक वर्ष में एक देश में जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं उसका जो वैल्यू होता है ना उससे नापते हैं अब देखो अगर ये वैल्यू बढ़ता चला जाए तो हम लोग कहते हैं ये बहुत अच्छा दौर है ये ठीक है ये ये जो है बहुत अच्छा दौर है इसमें प्रॉस्पेरिटी आ रही ग्रोथ हो रही है फिर फिर एक समय आएगा जब ये चीज़ नीचे की ओर जाने लगेगी इकॉनॉमी धीरे धीरे स्लो हो जाएगी जो इस समय इस समय जो चीज़ें हो रही हैं वो इकॉनॉमी स्लो हो रही कई देश की इकोनॉमी जो है वो नीचे नेगेटिव में चली गई इसीलिए आपको न्यूज़ में सुनने को मिल रहा है कि फिच रेटिंग ने कहा है कि भारत की इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी मतलब नेगेटिव में चली जाएगी ये उनका कहना है ठीक है तो ये ऐसे होता रहता है ठीक तो ये जो दौर है ये जो गिरने का दौर है इसको रिसेशन कहते हैं ठीक ये जो ऊपर जा रहा है ना इसको प्रोस्पेरिटी कहते हैं

यही दौर फिर वापस सुधार हो जाए तो उसको कहते हैं रिकवरी ठीक तो कहीं से भी इकोनॉमी जो नीचे की ओर भाग रही थी वहां से उठना शुरू होती ना तो याद रखना उसको कहते हैं रिकवरी वही ये यह वर्ड यहां पे शुरू किया समझे वही यही वो वर्ड जो है यहां पे रिकवरी इकोनॉमिक रिकवरी लिखा हम लोग ऐसे ही पढ़ के निकल जाते अच्छा आर्थिक सुधार आर्थिक नहीं ये बहुत बड़ी चीज है ठीक है ये बहुत बड़ी चीज है और इसको हमेशा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब आपको समझ में यहां आ जाएगा ठीक है तो ये देखो अब इ, इतनी छोटी सी न्यूज है उतने से इतने टर्म निकल के आए हैं तो इन ऑर्डर टू बिकम अ क्लर्क यू हैव टू लर्न अबाउट कंट्री करेंसी कैपिटल ये सब पढ़ जाओ ठीक है ये इंफॉर्मेशन काम आ जाएगी सरफेस नॉलेज रखोगे तो उसी के हिसाब से आपको जो है आउटपुट भी मिलेगा ठीक लेकिन विशाल वंशी बिल्कुल अगर मेरे ख्याल से आप लेट हो गए एमसीक्यू होगा ठीक है एमसीक्यू होगा बिल्कुल होगा और वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा ठीक है चलो बिल्कुल देखो तो ये इतनी बात समझ में आ गई तो यहाँ पे यही कह रहा है इकोनॉमिक रिकवरी जो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट नीचे जा रही है उसको वापस ऊपर की ओर लाने का ये प्रयास है इसी इकोनॉमिक रिकवरी की ये बात कर रहा है तो ठीक है वर्ल्ड बैंक के बारे में डिटेल आप लोगों ने ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में शेयर कर दिया है ठीक है नाइनटीन में बना हुआ ये नाइनटीन में बनी हुई यह संस्था है इसके हेड कौन है हु इज द हेड ऑफ वर्ल्ड बैंक जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो हु इज द हेड ऑफ वर्ल्ड बैंक बिल्कुल ये देखिए जानकारी जानकारियों का भरमार देखो ये देखो सब जो इन्फॉर्मेशन अभी आप शेयर कर रहे हैं दैट इज दैट इज योर स्ट्रेंथ दैट इज योर रियल स्ट्रेंथ ठीक है दैट इज व्हाट यू डिजर्व वहीं से ये तय होगा कि आपको क्या बनना है ठीक है यही इन्फॉर्मेशन जो आप शेयर कर करें अभी इसी वक्त ठीक है जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर करें बहुत अच्छे वेरी गुड प्रोस्पेरिटी को और भी कुछ कहते हैं ग्रोथ कह दो ठीक है प्रोस्पेरिटी को ग्रोथ कह सकते हैं आप और इसकी वजह से जो है प्रोस्पेरिटी जब भी होगा ना जब भी इकोनॉमी ग्रो करती है ठीक जब भी आप दौड़ोगे भागोगे ठीक है तो क्या होगा थोड़ा सा बॉडी की हीट बढ़ जाएगी और ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ब्लड की स्पीड जो है थोड़ी सी तेज हो जाती तो इन्फ्लेशन ऐसे दौर में आ जाता तो डेविड मालपास नाइनटीन बिल्कुल नाइनटीन डेविड मालपास बहुत अच्छी बहुत अच्छी है वॉशिंगटन डी ठीक चलिए बहुत अच्छी बात ये जो आप लोगों ने शेयर किया बहुत अच्छी बात है यहाँ पे चलिए आगे हम लोग जानने की कोशिश करें आगे बढ़ने की कोशिश करें बांग्लादेश के बारे में आपको मालूम ही है ढाका टाका एंड शेख हसीना ठीक है ढाका टाका शेख हसीना अब्दुल हमिद ठीक इतनी बात बातें क्लियर हो गई चलो नेशनल नेशन जो नेशनल लेवल की न्यूज है उनके बारे में देख ले तो प्राइम मिनिस्टर लॉन्च प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च मैसिव रूरल पब्लिक वर्क स्कीम गरीब कल्याण गरीब कल्याण रोजगार अभियान गरीब कल्याण रोजगार गरीब कल्याण रोजगार अभियान ठीक है गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो छह स्टेट में शुरू होगा चलिए इसको देख लेते हैं जरा सा अब ये देखिए अः दिस अभियान वॉज प्रोवाइडेड दिस अभियान विल प्रोवाइड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज टू माइग्रेंट वर्कर देखो ये चीजें हम लोग कल बात कर चुके हैं इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लो इस यो, इस प्रोग्राम के बारे में क्या है ठीक है इस प्रोग्राम के बारे में क्या है इस प्रोग्राम के बारे में अगर आप देखोगे तो देखो ये इसमें कहा गया कि 125 दिन तक कैंपेन चलाया जाएगा 125 दिन जो है 125 दिन तक जो भारत के 116 डिस्ट्रिक्ट में छह स्टेट्स में जो है एक कैंपेन चलाया जाएगा इस कैंपेन के तहत क्या करेंगे ठीक है कैंपेन के चला के क्या करोगे आप क्या मकसद क्या है तो इस कैंपेन का मकसद है जो जितने भी माइग्रेंट वर्कर हैं जो अपनी रोजी रोटी यहाँ पे वो कमाते थे उसको छोड़ के वो यहाँ पे आए हुए हैं ठीक है तो वो लोग जानते हो आप क्या करेंगे इनको जो ये योजना है ये उन लोगों को टारगेट करेगी ठीक है इन लोगों को टारगेट करेगी और इन लोगों को टारगेट करके जो है वापस इन लोगों को जो है मुख्यधारा में लाकर इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है उनको लाएगी जिससे इनका जीवन बेहतर हो, होना शुरू हो जाए ठीक है तो अब यहाँ पे देख लीजिए वो जो हाँ बिल्कुल झारखंड उत्तर प्रदेश बिहार छत्तीसगढ़ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जो आपने डिटेल शेयर की थैंक यू वेरी मच ठीक है तो यहाँ पे माइग्रेंट को हेल्प किया जाएगा वो इंप्लीमेंट करेंगे ठीक है डिफरेंट टाइप ऑफ जो वर्क है पच्चीस डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क को जो है उसको फोकस किया जाएगा ठीक है और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा जिससे जो है रूरल एरिया में लोगों को जॉब जॉब uh, मिले लोगों को जो माइग्रेंट्स आए उनको वर्क मिले उनको जॉब मिले उनको काम मिले ठीक है अब इसमें पूरा इन्वेस्टमेंट जो है कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पचास हजार करोड़ मतलब फिफ्टी थाउजेंड करोड़ जो है इस प्रोसेस को चलाने में इस प्रोसेस को जो है सच बनाने में ये किया जाएगा इस प्रोसेस को ट्रू करने में ये किया जाएगा ठीक है अराउंड थर्टी नाइन करोड़ पीपल हैव रिसीव फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ आर एस थर्टी एट फोर करोड़ तो अभी तक तो इतना लोगों को मदद मिल चुकी है अब ये प्रधानमंत्री ये जो चलाया जाएगा गरीबों के कल्याण के लिए ये जो योजना चलाया जाएगा इसके तहत जो है माइग्रेंट को माइग्रेंट्स को टारगेट करके माइग्रेंट को कहाँ के छः स्टेट एक सौ सोलह डिस्ट्रिक्ट वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव डेज के लिए ठीक है ये, ये इतनी बात क्लियर हो गई आपकी ठीक है आई होप ये इतनी बात आप लोगों की क्लियर हो गई ठीक है तो आ, 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 आगे हम लोग बढ़ते हैं ठीक है आगे हम लोग बढ़ते हैं चलिए इतना नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने इसमें से डिटेल जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा बिल्कुल ठीक है खगड़िया के खगड़िया डिस्ट्रिक्ट जो बिहार है वहां से इस योजना की शुरुआत हुई याद रखना ठीक है खगड़िया डिस्ट्रिक्ट बिहार से इस योजना की शुरुआत हुई है कल ही है। ये ऑनलाइन मतलब ई माध्यम से ये शुरू किया गया था ठीक चलो बहुत अच्छी बात अब पर्सन इन न्यूज में देख लेते हैं ढेर सारे लोग हैं हमारे पास ढेर सारे लोग कैसे हैं जैसे मास्टर चीफ मास्टर सार्जेंट जो एन

ठीक है और ये पहली पहली महिला है यूएस में जो बनी है क्या मास्टर सर्जेंट सेफ चीफ मास्टर सर्जेंट ये 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 बनी है ये, इसलिए गई, ये है, तो है इसलिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई क्योंकि फर्स्ट ठीक है तो याद रखना फर्स्ट न्यूज है इसीलिए इनका इंपॉर्टेंस हो गया ठीक है बिल्कुल अट्ठाईस हजार लोगों से अट्ठाईस हजार वो तो एक लाइन हो गई उससे ज्यादा लोगों को जो है ये रोजगार दिया जाएगा ठीक है अगली न्यूज देख लीजिए ये है आ, लक्ष्मण सिंह लेहल इन्होंने जो है जब 1971 का वार था तो इन्होंने 20 माउंटेन डिवीज़न आर्मी को जो है इन्होंने कमांड किया था और बहुत ही उद्दम बहुत ही बहुत ही बहादुरी से जो है इनके पूरे जो डिवीजन है उन्होंने लड़ाई की थी 1971 में ठीक है इनका निधन हो गया है ठीक है तो डॉक्टर मेजर जनरल रिटायर्ड लक्ष्मण सिंह लेहल हु कमांडेड द ट्वेंटी माउंटेन डिवीज़न ऑफ द आर्मी that exhibited courage and valor during the 1971 Indo-Pak War has passed away इनका निधन हो गया नाम जरूर याद रखिएगा चलिए आगे देख लीजिए आयन होम एंड ये चेहरा तो आपको याद होगा मेरे ख्याल से सभी लोगों ने जो लोग भी मतलब मूवीज देखते होंगे ठीक है तो आयन होम्स इन होम्स जो एन एक्लेम्ड ब्रिटिश एक्टर लॉन्ग कैरियर इंक्लूड रोल लाइक रोल इन चैरिट ऑफ फायर एंड लॉर्ड ऑफ द रिंग ठीक है लॉर्ड ऑफ द रिंग हैज डाइड ही वॉज एट ईयर ठीक है तो लॉर्ड ऑफ द रिंग मूवी जो जो थी या चैरियट ऑफ फायर मूवी में इन्होंने बहुत आ, आ, बहुत ही आ, अच्छा रोल किया था इनका जो है यहाँ निधन हो गया ठीक है चलिए और साथ ही साथ एक आप देख लीजिए यूएस सीनेट हैज कन्फर्म एमिनेंट इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर सेतु रमन पंचनाथन एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल साइंस फाउंडेशन ठीक है अब यहाँ पे देख लीजिए नेशनल साइंस फाउंडेशन जो यूएस यूएस की एक संस्था है उसके डायरेक्टर के रूप में जो है डॉक्टर सेतु रमन पंच पंचनाथन को यहाँ पे हायर किया गया है अपॉइंट किया गया तो देखो ये नॉर्मली हमारे लिए न्यूज़ ये नहीं होती लेकिन क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन के हैं इंडियन अमेरिकन हैं इंडियन ओरिजिन के हैं इसलिए ये हमारे लिए एक न्यूज़ बिल्कुल बन जाती है ठीक है चलिए आगे हम लोग चलते हैं मिसलिनियस में देख लेते हैं मिसलिनियस में ये एक बुक है जो आपके सामने दिख रही है सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया ठीक है द किंग हु सेव्ड इंडिया ये बुक लिखी है इन्होंने अमित त्रिपाठी जिनका नाम है अमित त्रिपाठी ऐसे कई किताबें लिखते आ रहे हैं ठीक है ऐसे कई किताबें लिखते आ रहे हैं और अमित त्रिपाठी के बारे में भी हम लोग बताएंगे लेकिन आप समझ लो ये बुक जो है सुहेल देव सुहेल देव जो है एक राजा हुआ करते थे हमारे भारत भारत के इतिहास में और जब एक दौर था जब विदेशी आक्रमण होते थे मोहम्मद गजनवी जब मोहम्मद गजनी ने जब आक्रमण किया था ठीक है तो आक्रमण उसके आक्रमण के बाद जो है आक्रमण करते हुए जब वो अंदर पहुंचा तो ये जो राजा साहब थे सुहेल देव साहब जो हैं ये भराइच का एक आसपास का एरिया बताया जाता है जहाँ पे इनकी उससे मुकाबला हुई थे और उन्होंने इन्होंने राजा सुहेल देव ने जो है बुरी तरीके से हरा के उसको वापस भेजा था बुरी तरीके से ठीक है ये वही एक गाथा है यही वो कहानी है जिसको इस बुक में कंपाइल करने की कोशिश जो है इन्होंने किया हुआ है ठीक है तो ये बात आ, ये बात आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई कि बुक का नाम जरूर याद कर लेना क्योंकि नई बुक है नई बुक रिलीज हुई हुई है ठीक है और एक अगर हम लोग बात करें अमित अमित त्रिपाठी ने क्या क्या किताबें लिखी हुई हैं तो अमित त्रिपाठी के जो लिस्ट है किताबों की द इमोटल मलूहा ठीक है द इमोटल मलूहा सीक्रेट ऑफ द नागा ओथ ऑफ द वायु ठीक है साइन ऑफ इस ऐसे कई किताबें इन्होंने लिख रखी हैं जो कि हिट रही हैं ठीक है चलिए तो ये ज़रूर याद कर लीजिए बुक्स एंड ऑथर में ये आ जाएगा क्योंकि नई बुक है ये ठीक है साथ ही साथ बंगाली मूवी बोरू बोर बोरुन बाबुर बोंधू टू बी स्क्रीन एट सिनसिनाटी फिल्म फेस्टिवल एक जगह है ठीक है प्लेस जैसे कॉन्सटिव होता है ठीक है थीके? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिंसिनाटी फिल्म फेस्टिवल में जो है ये जो मूवी है इसको वहाँ स्क्रीन किया जाएगा मतलब वहाँ पर यह दिखाया जाएगा और क्योंकि ये विदेशी एक फिल्म फेस्टिवल है और वहाँ पर अगर भारतीय भारत की कोई भी मूवी दिखाई जाती है तो ये हमारे लिए गौरव की बात होती हमारे लिए ये एग्जाम की भी बात होती क्योंकि एग्जाम में भी ये काम आएगा ठीक है तो ये चीज़ें आप याद रखना बिल्कुल संदीपता मेलूहा लूहा नागाज एंड इस वाहकू ये सब बुक जो हैं वो आ, आ, इन्होंने लिखी हुई थी ठीक है अमीश त्रिपाठी ने ठीक तो चलिए ये इतनी चीज़ें आप आ, आपके लिए हो गई ठीक है ये इतनी चीज़ें आपके लिए हो गई जो सिर्टी फिल्म फेस्टिवल है वो ओहायो में होगा यूएस में ठीक है चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग ये एक न्यूज़ कल जो है देखने को मिली दैट इज़ हरभजन सिंह बिकम द फर्स्ट सेलिब्रिटी टू सपोर्ट बाईकॉट ऑफ चाइनीज़ प्रोडक्ट ठीक है आ, उनके ट्विटर हैंडल पे उन्होंने लिखा था कि बैन ऑल चाइनीज़ प्रोडक्ट और तब तभी से न्यूज़ ने ये उठा लिया कि आ, ये बात हरभजन सिंह हैज़ बिकम द फर्स्ट सेलिब्रिटी टू बाईकॉट ठीक है चाइनीज प्रोडक्ट ठीक तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अब हम लोग चलते हैं अपने स्टैटिक वाले पार्ट पे स्टैटिक वाले पार्ट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको डेजिग्नेशन हु इज हु वाले सेक्शन में दिखेगा नेस के यू वी प्रवीण राव जो है वो हेड है सी ओ डी एस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है जनरल बिपिन रावत बनाए गए हैं सी ओ एस यानी uh, जो एयर स्टाफ के हेड हैं डेट इज़ आपको मालूम है राकेश कुमार सिंह भदौरिया जो कि uh, अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने ले और लद्दाख का दौरा किया था और इनके हिसाब से जो है बिल्कुल एयरफोर्स तैयार बैठी हुई है और हमारे जवानों के बलिदान को वो खाली नहीं जाने देने वाले ठीक है और नेवल चीफ स्टाफ जो है एडमिरल करमबीर सिंह आर्मी चीफ स्टाफ जो है जनरल मनोज मुकुंद नारायणवे ठीक है तो ये जो इस वक्त हुई इस हु कैटेगरी में देखें तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कैपिटल करेंसी की बात करें तो हमारे पास आज आइवोरी कोस्ट है आइवोरी कोस्ट की कैपिटल आप लोगों को मालूम है यामू सो अगर नहीं मालूम तो इसके याद कर लेना सी एफ फ्रैंक करेंसी है केनिया नाइरो और सीलिंग वहाँ पे यूज होता है लेसोतो मसेरो लोटी वहाँ पे यूज़ होती है और लाइबेरिया मोनोरिविया डॉलर यूज़ होता है लीबिया ट्रिपोली और वहाँ पे डिनार यूज़ किया जाता है ठीक है और साथ ही साथ अगर हम लोग पार्क की बात करें तो आज सभी राजस्थान के पार्क हमारे पास हैं जो कि डिजर्ट सरिस्का राथम्बोर मोकंद्रा एंड क्योल देव क्योला देव नेशनल पार्क यहाँ पे है ठीक है चलिए और साथ ही साथ एयरपोर्ट की बात कर लें कुछ जो कह रहे थे सर एयरपोर्ट डैम्स एंड रिवर भी वो करा दीजिए तो देखो एयरपोर्ट्स की हम लोग बात कर लें तो गुरु रामदास जी एयरपोर्ट अमृतसर में विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम ही है ऑलरेडी विशाखापट्टनम कन्नूर एयरपोर्ट इज़ इन कन्नूर स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रायपुर छत्तीसगढ़ एंड सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ इन सूरत याद रखो ये तो नाम जिसके पता चल जा रहे है उसके तो संभावना खत्म है एग्जाम में आने की लेकिन ये जिसका नाम नहीं पता चलता है ना जहाँ पे कोई भी हिंट नहीं दी गई है वो चीज़ जो है वो हमेशा आपके एग्जाम की चीज बन सकती है बसरते वो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में कभी ना कभी आई हो ठीक है जैसे कैंपागौड़ा अभी कुछ दिन पहले जो है वो न्यूज में आया था एक बार अब डैम्स एंड रिवर की बात करें बिलासपुर इज इन राजस्थान ऑन बानस रिवर मेटो इन तमिलनाडु कावेरी रिवर कृष्णा सागर इज इन कर्नाटका कावेरी ठीक है एंड इंदिरा इंदिरा सागर डैम दैट इज़ ऑन नर्मदा एंड चेरुथोनी डैम दैट इज़ ऑन चेरुथोनी रिवर ठीक है तो ये डैम्स एंड रिवर हो गया ऐसे ही कई चीज़ें जो है जो स्टेटिक की चीज़ें मैं पाँच पाँच दस दस करके आपसे शेयर करता रहूंगा तो डेली बेस पे जो है आप लोग पाँच पाँच दस दस भी देखोगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी ठीक है चलो जल्दी से एमसीक्यू सेक्शन पे हम लोग आ जाते हैं हु हैज बिन जल्दी से सवाल का जवाब देना शुरू कर दो रिसेंटली हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस ठीक है चेयरमैन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस किसे किसे अपॉइंट किया गया है जल्दी से इसका जवाब दे दें आप लोग ठीक है चलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा टेक्निकल टीम जो है मुझे स्क्रीन से गायब कर दे चलो थैंक यू वेरी मच हाँ बिल्कुल अब बताना शुरू करो भाई जल्दी जल्दी से आंसर देना शुरू करो ज्यादा टाइम नहीं हमारे पास हाँ एकदम 20 सेकंड से ज़्यादा जो है समय लगाओगे अगर क्वेश्चन के जवाब देने में तो आप समझ लो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है चार नंबर आंसर आना शुरू हो गया सबसे तेजी से मनमीत ने जवाब दिया है यहाँ पे और देखते हैं जल्दी से जवाब आ गया है चलिए देख ही लेते हैं भाई उर्जित पटेल साहब है ये कल ही हम लोग न्यूज़ पढ़े थे लेकिन प्रदीप कुमार साहब जो हैं ये सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में अरुण सिंगल साहब का अपॉइंटमेंट हुआ है सीईओ ई के रूप में ठीक एफ एस एस आई के रूप में ये अपॉइंट हुए हैं ठीक है और ये जो है स्टील सेक्रेटरी कहे जाएंगे ना स्टील सेक्रेटरी स्टील सेक्रेटरी कहे जाएंगे मनोज पांडे जी का जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो क, ये कमांड जो अंडमान एंड निकोबार अंडमान एंड निकोबार निकोबार अंडमान एंड निकोबार का जो कमांड है उस कमांड की ये ये कमांडिंग ऑफिसर है ठीक है तो कमांडर इन चीफ जिसको हम कहते हैं अनुराग श्रीवास्तव जो है यहाँ पे अनुराग श्रीवास्तव जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक्स पर्सन है स्पोक्स पर्सन है ये मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक एक्सटर्नल अफेयर सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जिसके मिनिस्टर हैं एस जयशंकर ठीक है एस जयशंकर जिसके आ, uh, पे मिनिस्टर है ठीक है तो ये इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी विच स्टेट है सेलिब्रेटेड ग्रेट ग्रेट जून जून अपराइजिंग अपराइजिंग डे ठीक है ऑन एटीन जून अठारह जून को जो है ग्रेट जून अपराइजिंग डे मनाया गया था ये किस uh, स्टेट किस ने मनाया मैं कहानी बता देता हूँ कहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी आंसर आप लोग जल्दी से दे दें देखिए जो एन एस सी एन है ना एन एस सी एन एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है नॉर्थ ईस्टर्न में तो एन एस सी एन के साथ भारत सरकार ने समझौता किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने समझौता किया था पीस संधि की थी उन्होंने ठीक है पीस अकॉर्ड यहाँ पे आया था और इसमें यह था कि इस पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन इनके लोगों को हंट डाउन नहीं किया जाएगा मतलब किसी भी टाइप एक तरीके से सीज फायर वाला एग्रीमेंट था और यह सीज फायर का एग्रीमेंट जो है नागालैंड से बाहर भी था ठीक है नागालैंड से बाहर भी था ये न, जो एन एस सी एन जो है ये नागालैंड का जो नागालैंड की एक मिलिटेंट बॉडी थी तो ये नागालैंड से बाहर भी था तो इसके विरोध में जो है ना कुछ लोग जो है वो एग्रेसिवली जो है वो कहीं ना कहीं सड़कों पे आ गए और वो इन्होंने प्रदर्शन वगैरह किया जिसमें जिसमें जो परिस्थिति ऐसी हो गई कि वहाँ गोलियां चलानी पड़ गई वहाँ पुलिस वालों को तो गोलियां चलाने की वजह से जो है वहाँ पे कुछ लोगों की मृत्यु हो गई जिसकी वजह से जो है ये दिवस तब से सेलिब्रेट किया जाने लगा ऑब्जर्व किया जाने लगा ठीक है चलो यहाँ पे आंसर मैं बता देता हूँ मणिपुर में ऐसा हुआ था ठीक है मणिपुर में ऐसा हुआ था और जैसे ही आप मणिपुर की बात करेंगे तो आपको याद होगा इस वक्त तो न्यूज़ में आ ही रहा होगा कि ये वहाँ की सरकार जो है वो अल्पमत में आने वाली है और वहाँ पर फ्लोर टेस्ट वगैरह होने वाला ये सब न्यूज़ में आ रहा होगा आपको दिख रहा होगा ठीक है चलिए तो मणिपुर की जब हम लोग बात करेंगे तो मणिपुर के बारे में आप जानते हो इम्फाल इज द कैपिटल बाकी की भी कैपिटल करेंसी सॉरी कैपिटल जरूर लिखते चले जाओ और वो इज़ द चेयरमैन ठीक है तो आप लोग लिखते चले जाओ मैं भी आपको बताता शुरू कर देता हूँ इम्फाल जो है वहाँ का कैपिटल है और वहाँ पे एन वीरेन बीरेन सिंह जो है ना वो चीफ मिनिस्टर है वहाँ के और नजमा है नेजमा अब्तुल्ला जो है वहाँ की गवर्नर है ये मणिपुर के बारे में हो गया इम्फाल असम की बात करोगे तो डिसपुर अभी असम के तिनसुकिया में जो है वो फायर वा 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 लग गई थी ना वहाँ पे ऑयल डिपो में आग लग गई थी और उसके लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी हाल ही में उसकी रिपोर्ट देने के लिए जो एक महीने में रिपोर्ट देगी ठीक है तो यहाँ पे असम डिसपुर है और जगदीश मुखी साहब जो हैं जगदीश मुखी साहब जो हैं वहाँ के गवर्नर हैं एंड uh, सर्बनंदा सोनोवाल ये वहां के चीफ मिनिस्टर हैं ठीक है uh, सर्वनंदा सोनोवाल जो है चीफ मिनिस्टर हैं मेघालय की अगर आप बात करोगे तो सिलोंग तथागत रॉय तथागत रॉय एंड कॉनरेड सांगमा ठीक है तो ये तथागत रॉय साहब जो है ये गवर्नर हो गए और कॉनरेड शर्मा जो है ये वहां के चीफ मिनिस्टर हैं ठीक है आ, तो साथ ही साथ दो हमारे पास स्टेट और बच गए दैट इज त्रिपुरा एंड मिजोरम त्रिपुरा एंड मिजोरम आपको मालूम होगा अगरताला अगरताला इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा रमेश बैस रमेश बैस जो है वो वहां के गवर्नर है एंड विप्लव कुमार देव जो है वो वहां के चीफ मिनिस्टर है मिजोरम की आप बात करोगे तो आइजोल आइजोल जो है वहां की कैपिटल है एंड पीएस श्रीधरन पिल्लई जो है वो वहां पे गवर्नर है और साथ ही साथ वहां के चीफ मिनिस्टर का नाम जोराम है जोराम यहाँ पे भी लिखा हुआ यहां जुराम है यहाँ पे जोराम है जोराम थांगा जो है ये वहां के चीफ मिनिस्टर है चलो ठीक है ये आपको समझ में आ गया ये बातें ठीक है आगे वाले आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग कि रिसेंटली कुबा बेक बोरोनोव हैज़ बीन अपॉइंटेड इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री अब प्रेसिडेंट बदल गए हैं किसी देश के आ ये आपके सामने सवाल है कि किस देश के प्रेसिडेंट को हाल ही में उनका चेंज हुआ है ठीक है जल्दी से आप लोग आंसर दे दें चलिए बहुत अच्छी बात है ये आंसर आने शुरू हो गए बहुत लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है जो लोग अभी अभी चैनल पे जुड़े हैं वो लोग जल्दी से जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको चीज़ें नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहे जो लोग लो लाइक नहीं किए अभी तक प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लें और जितना शेयर हो सके अपने सोशल मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से भी इसको शेयर करते रहें लिंक को शेयर करते रहें ताकि लोगों को और पता चले ठीक है चलिए बहुत अच्छी बात है आंसर आना शुरू हो गया मैं आंसर बता रहा हूँ किर्गिस्तान ठीक है बिल्कुल किर्गिस्तान में ही ऐसा हुआ है किर्गिस्तान में ही ऐसा हुआ है उज़्बेकिस्तान अब हम लोग आंसर को जरा सा देख लें बारी बारी उज़्बेकिस्तान की हम लोग बात करेंगे तो ताशकन ठीक है ताशकन सफकत सफकत मिर्जी यूफ जो हैं वहाँ के प्रेसिडेंट हैं एंड साथ ही साथ ये ताशकन यहाँ पे ठीक है ताशकन यहाँ पे यहाँ की कैपिटल है एंड सोम जो है वो करेंसी है यहाँ की ठीक है सोम यहाँ की करेंसी है और साथ ही साथ जो है सफ़कत मिर्जी यूफ़ यू एफ़ है वो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं एंड अब्दुल्ला आरिपोफ जो है प्राइम मिनिस्टर हैं और अगर ताजिकिस्तान की बात करेंगे तो आपको मालूम है दुशान भी दुशानबे जो है वहाँ के वहाँ की कैपिटल है एंड सोमोनी ये हम लोग पिछले दिनों में भी इसके बारे में चर्चा करते हैं सुमोनी जो है वहाँ की करेंसी है एंड इमो माली रहमान जो है वो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं एन कोकिर जाद जो हैं वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं साथ ही साथ जो हमारा आंसर है कि किर्गिस्तान किर्गिस्तान की हम लोग बात करें तो नाम आपको पता चली गया होगा कि यहाँ पर जो है प्रेजिडेंट चेंज हो गए तो किर्गिस्तान जो है विभिषेक ठीक है और यहाँ पे करेंसी जो यूज होती है सोम इससे जो पुराने ओल्ड मतलब जो ओल्ड जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे दैट वाज सुरान बे, जीन बेकोव ये वहां के ओल्ड जो जाने वाले प्रेसिडेंट हैं ये उनका उनका नाम है ठीक है और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पाकिस्तान आपको मालूम है इस्लामाबाद एंड करेंसी इस पाकिस्तानी रूपी आरिफ अलवी वहाँ के प्रेसिडेंट हैं इमरान खान जो है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं कजाकिस्तान की बात करें तो नूर सुल्तान आपको मालूम है नूर सुल्तान एंड वहाँ पे जो करेंसी यूज होती है दैट इज़ टेंगे ठीक है टेंगे करेंसी यहाँ पर यूज होती है चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं ठीक है रिसेंटली uh, which IIT has developed a herbal हर्बल इन्फ्यूजन to टू हेल्प फार्मर इन द मिड हिमालयन रीजन ठीक है जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए कि किस आई ने जो है वो मध्य हिमालय क्षेत्र में किसानों की मदद के लिए हर्बल इन्फ्यूज़न तकनीक विकसित की है ठीक है बहुत अच्छी बात है बिल्कुल यहाँ पे जल्दी से जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए आई आई टी मंदी आई आई टी गुवाहाटी आई आई टी कानपुर आई आई टी पटना और आई आई टी बॉम्बे इसमें से सही जवाब मैं बता देता हूँ आपको द आंसर इज आई आई टी

इससे रिलेटेड है 1951 में ये आया था 1951 में आया था ठीक है और इस वक्त जो इसके हेड हैं दैट इज चेयरमैन जो है वो एन के सिंह साहब हैं ठीक है एन के सिंह साहब जो इसके इस है इसके चेयरमैन इस वक्त हैं ठीक चलिए तो ये ये हो गई आपकी फाइनेंस कमीशन फाइनेंस कमीशन का सवाल आपके सामने ये है कि विट्ठल बारू साहब का जो निधन हुआ वो फाइनेंस कमीशन में जो है ठीक है मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन ये हुआ करते थे ठीक है किस फाइनेंस कमीशन मेंबर थे दो दो आंसर आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है दसवां ये आप लोगों को याद हो चुका है ऑलरेज फॉर द फर्स्ट टाइम इन एट ईयर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच एज प्रोजेक्टेड विच कंट्रीज जी डी पी ग्रोथ विल बी नेगेटिव आठ सालों में पहली बार ऐसा हुआ है फिच रेटिंग ने जो है नेगेटिव ग्रोथ की बात कही है, किस देश के लिए अगर आपको याद होगा तो इसका बहुत बहुत ही आसान सा जवाब है कल ही हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे थे द आंसर इज इंडिया इंडिया के बारे में फिच ने बताया कि भाई इनकी रेटिंग जो है वो नेगेटिव होगी इकोनमी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी रिसेंटली विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च आर एन डी पोर्टल सत्यभामा सत्य रिसर्च एंड डेवलपमेंट पोर्टल जो है वो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है जल्दी से जवाब दे दीजिए किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है बिल्कुल सही जवाब आपका प्रहलाद जोशी ही है ठीक है प्रहलाद जोशी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये जानते हैं किसमें होगा ये माइनिंग सेक्टर में माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर में ये होना है ठीक है माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर में ये रिसर्च होना है ठीक है तो यहाँ पे अब अगर हम लोग देख लें तो जितेंद्र सिंह साहब जो हैं ये डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो एम डोनियर है उसके उसके ये मिनिस्टर uh, हैं डॉक्टर हर्षवर्धन आपको मालूम है हाल ही में इनका अपॉइंटमेंट डब्लू एच ओ एग्जीक्यूटिव बोर्ड में हुआ है डब्ल्यू एच ओ एग्जीक्यूटिव बोर्ड में हुआ है ठीक है उसके चेयरमैन के रूप में डब्ल्यू एच ओ एग्जीक्यूटिव बोर्ड में चेयरमैन के रूप में इनका हुआ है और साथ ही साथ डॉक्टर हर्षवर्धन साहब जो है वो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर भी हैं पलाद जोशी साहब जो हैं वो कोल मिनिस्ट्री एंड पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर के साथ साथ जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भी देखते हैं नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर देखते हैं धर्मेंद्र प्रधान साहब जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील भी देखते हैं तो ये आ, बाकी के मिनिस्टर हमारे जो उनकी वर्किंग है ठीक है साथ ही साथ हम लोग एवरी ईयर वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इज ऑब्जर्विंग बहुत ही आसान सा सवाल है कल ही ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसका जवाब जल्दी से आप लोग दे पाएं ठीक है बिल्कुल प्रहदा जोशी कोलिंग कोल एंड माइनिंग बिल्कुल आशीष सिंह सही बात आपने बताया रागनी यादव आपने भी सही बताया कि माइनिंग एंड मिनरल में रिसेंट डेवलपमेंट होनी है ठीक है चलिए बिल्कुल अच्छा पार्लियामेंट फॉर बिल्कुल बिल्कुल सही पार्लियामेंट्री अफेयर रोलो ठीक चलिए जल्दी से जल्दी से ये बता दें कि आंसर क्या है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया गया चलिए और आ, बिल्कुल जवाब आने शुरू हो गए ये आंसर बिल्कुल सही है चार नंबर ही आंसर है इसका मनमीत और ये 20 जून को मनाया गया था 20 जून को हम लोग मनाए थे यानी कल ही तो मना रहे थे इसको ठीक है बाकी का अगर आप देख लो तो 10 तारीख को कोई ऐसा दिवस विशेष दिवस नहीं होता जो इंटरनेशनल उस पर हो और 15 तारीख को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे ठीक है वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे और अट्ठारह तारीख को हम लोगों ने मनाया था सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे पाक कला के बारे में जो बातें कर रहे थे और ठीक है बाईस तारीख वाला बाईस तारीख को यानी कल मैं बताऊंगा कौन सा दिवस मनाया जाता है ठीक है चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन को, है दिनू रानावी वाज रिलेटेड टू विच स्टेट किस स्टेट से रिलेटेड है दिनू रानावी ठीक है जल्दी से जवाब दे दीजिए डीनू राना राना डीव जो है जिनका निधन हो गया जर्नलिस्ट हैं पेशे से ये किस स्टेट से हैं डी आंसर कुछ लोग कह रहे हैं बिहार से संबंधित है कुछ लोगों का कहना है बिल्कुल एवरी एक्शन काउंट ब्रिजेश गिरी एवरी एक्शन काउंट ये सही थीम है आपका थीम आपने सही दिया है ये थीम जो है ये रिलेटेड है रिफ्यूजी डे से ठीक है चलिए जल्दी जल्दी से जवाब दे दें दे, बिल्कुल ये आंसर आना शुरू हो चुका है और चलिए बिल्कुल सही महाराष्ट्र महाराष्ट्र सब ने महाराष्ट्र ही जवाब दिया वन ही आंसर इन लोगों ने दिया आपको महाराष्ट्र मालूम ही है महाराष्ट्र के बारे में मुंबई उद्धव ठाकरे बी एस कोशवारी वहाँ के गवर्नर है ठीक है और साथ ही साथ गांधीनगर गुजरात की बात करेंगे तो गांधीनगर यहाँ के कैपिटल है विजय रूपानी जो है वो वहाँ पे विजय रूपानी जो है वो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं और आचार्य देवव्रत जो हैं वो वहाँ के गवर्नर हैं ठीक है राजस्थान की आप बात करोगे तो जयपुर इज़ द कैपिटल अशोक गहलोत इज़ द चीफ मिनिस्टर एंड साथ ही साथ कलराज मिश्र इज़ द गवर्नर बिहार की बात करोगे तो पटना है वो वहाँ पे फागू चौहान जो वहाँ के गवर्नर हैं एंड नीतीश कुमार जो वहां आ, है, है वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं चंडीगढ़ हरियाणा चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल एंड मनोहर लाल खट्टर ये जो है मनोहर लाल खट्टर साहब जो हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एंड सत्यदेव नारायण सिंह ठीक है सत्यदेव नारायण सिंह इज़ द गवर्नर ऑफ हरियाणा ठीक है चलिए अगला सवाल हमारे सामने लो कोस्ट कोविड नाइन्टीन डायग्नोस्टिक कोस्ट डेवलप्ड बाई विच आई किस आई ने जो है आ, आ, सस्ते डायग्नोस्टिक किट डेवलप की है कोविड नाइन्टीन के लिए चलिए ये सही जवाब आपका यहाँ पे आ, बिल्कुल सही सही जवाब है आईआईटी गुवाहाटी आईआईटी गुवाहाटी गुहाटी इज द राइट आंसर तो ये इतने क्वेश्चन एंड आंसर आपके थे दस में से जल्दी से बता दो नंबर कितने मिले हैं टेक्निकल टीम मुझे जल्दी से स्क्रीन पे लेते आइए और ये जो आपके सामने ये जो कोड दिख रहे हैं ना ये कोई भी सिंगल प्रोडक्ट अगर आप माई सॉप डॉट महिंद्रा डॉट वर जी से खरीदेंगे तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा हैवी डिस्काउंट्स मिलेंगे कोई भी कॉम्बन कॉम्बाइन प्रोडक्ट आप खरीदोगे तो उसके लिए कॉम्बो प्रोडक्ट अगर आप खरीदोगे महिंद्रा डॉट आर जी पे माई सॉप डॉट महिंद्रा डॉट वर जी पे तो उस पर आपको हैवी डिस्काउंट्स इस पर अवेलेबल हो जाएगा ठीक है तो इन कोड को एकदम याद करो लो, लिख लो अपने पास मोबाइल में सेव कर लो क्योंकि कोई भी अगर कहेगा कि हमको जो है कोई भी जो कहेगा आ, कि हमको जो है आप आ, ये प्रोडक्ट खरीदना है तो इसकी जानकारी है बिल्कुल उनको भेज देना माईसॉप डॉट महिंदा डॉट जी पे और ढेर सारे प्रोडक्ट हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के साथ रीजनिंग के लिए प्रोडक्ट रखे हुए हैं मैथ के लिए नए नए प्रोडक्ट रखे हुए हैं आने वाले एग्जाम जो आ रहे हैं उसके लिए प्रोडक्ट और स्पीड टेस्ट आपके लिए नए नए लॉन्च हो चुके हैं ठीक है तो बिल्कुल आप विजिट जरूर करना एक बार माईसॉप डॉट महिंद्रा डॉट ओ आर जी ठीक है बिल्कुल विजिट करिएगा चलिए तो साथ ही साथ जो है आज के लिए बस इतना ही हम लोग कल मिलेंगे और बिल्कुल आप लोगों का जो एम uh, वाला जो रिक्वेस्ट है वो बिल्कुल हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से उसको पॉसिबिली कितने बेहतर तरीके से उसको आपके पास लेते हैं बिल्कुल बहुत अच्छे नंबर आप लोगों ने पाए हैं नौ में से दस में से नौ नंबर बिल्कुल फैजल एंड पूजा बहुत अच्छी बात है चलिए टेन में टेन पूनम कुमारी बहुत से हंड्रेड परसेंट पा गए ठीक है चलिए बहुत अच्छी बात ये ये चीज़ जो है आपकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है सुशील कुमार अभी डाउट पे हैं चलिए कोई बात नहीं याद रखो कुछ भी आप लिख रहे हो आपकी अंतर आत्मा जान रहे कि आप कितने नंबर पाए हुए हो और मैं मान के चलता हूं कि मेरे बच्चे झूठ नहीं बोलते ठीक है चलो बहुत अच्छी बात है इसको लाइक और शेयर जरूर करते रहना चलो थैंक यू वेरी मच सब्सक्राइब ना एंड प्रेस द